गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अ इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ आवर हिस्ट्री, दैट नेम इज यूरोप इन इंडिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूरोप एंड इंडिया? व्हाट इज द एडवांस इफेक्ट ऑन द इंडिया ऑफ यूरोप? देखो, इस लेसन में हम कुछ बातों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है ये। हमारे भारत देश पर, हमारे कंट्री पर फॉरेन पीपल्स के अटैक कैसे हुए, या हमारे देश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आदि कंपनी का आगमन कैसे हुआ, उनकी एंट्री कैसे हुई, और डे बाय डे इन्होंने इंडिया का मार्केट कैप्चर करने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनी का अपने पूरे भारत पर गवर्नमेंट कैसा आ गया, हम पूरे भारतवासी इन ब्रिटिश प्रशासन का गुलाम कैसे बन गए, इसका बैकग्राउंड आज हम देखने जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले यूरोप, जिसको हम पाश्चात्य कंट्री बोलते हैं, यूरोप है कि नहीं, यूरोप का हमारे देश पर इफेक्ट क्या हुआ, यानी यूरोप यानी डेवलपमेंट की शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई, इसके बारे में देखते हैं। चलो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेंगे लेसन के नाम पर, यूरोप एंड इंडिया। यूरोप का इंडिया से रिलेशन कैसा आया, क्यों आया, उसके बाद मॉडर्न पीरियड किसको बोलेंगे हम। मॉडर्न पीरियड है मिडिवल पीरियड्स, 13 to 16 सेंचुरी। 13 to 16 सेंचुरी मीन्स 14 सेंचुरी, 13, 14, 15, 16, ये जो सेंचुरी है, इन सब सेंचुरी को हम बोलेंगे 13 to 16 सेंचुरी। पीरियड ऑफ रिनाइसेंस, इसका मीनिंग जानेंगे। पीरियड ऑफ रिनाइसेंस मीन्स नए नए संशोधन, नए नए डिस्कवरीज, नए नए इन्वेंशन, एडवांस थॉट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और नए विचारधारा, नए रिफॉर्म मूवमेंट, ये कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी यानी इसकी जड़ क्या है, कहाँ से, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। यानी जो 13 सेंचुरी के बाद में की जो युग है, ये नए विचारधाराओं का युग है। यहाँ पर राज्यशाही, किसी प्रोटेस्टेंट, किसी धर्मगुरु का जो ऑब्लिगेशन था कॉमन पीपल पर, यह ऑब्लिगेशन तोड़कर कॉमन पीपल ने नए विचारों से सोचना शुरू कब से कर दिया, और धीरे धीरे ये पूरा विश्व डेवलप कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पीरियड ऑफ रिनाइसेंस मीन्स नए शोध संशोधन तथा नए विचारधारा का युग कब से स्टार्ट हुआ। यस, उसमें देखो दो तीन बातें आती है। मेन टास्क ऑफ मॉडर्न एरा, यानी कि रिनाइसेंस पीरियड का मेन टास्क इसमें क्या क्या हुआ, रिफॉर्मेशन, नई सुधारना, नई क्रिएटिविटी, नए नए रिसर्च। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म, धर्म में जो रिलीजियस की अंदर धर्मांधता थी, इसमें कैसे नए विचारों की शुरुआत थी। जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की जैसे गुलामी करते थे ये लोग, उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए ये रिलीजियस रिफॉर्म क्या काम किया है, रिलीजियस रिफॉर्म कैसे हुई, और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या क्या हुई। विश्व का नक्शा अभी धीरे 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 सब कंट्री को पता चलने लगा, और इसमें नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए डिस्कवरीज हुए, नए नए रूट, नए नए देशों का संशोधन कैसे हुआ। आपको पता है वास्को द गामा, कोलंबस आदि जो खलासी है, ये बोट में बैठकर दूर दूर तक सफर करके नए नए एरिया का रिसर्च करना, नए नए एरिया का इन्वेंशन करना, उसका शोध करना, और वहां पर क्या है ये देखना, ये शुरुआत अभी 13 सेंचुरी to 16 सेंचुरी का ही कार्यकाल है। तो इसमें देखेंगे अभी धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड हमारा एक नए विचारों में कैसा आता है, इस बैकग्राउंड को लेकर ये हम लेसन पढ़ने वाले हैं, यूरोपियन इंडिया। तो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिफॉर्मेशन क्या क्या हुआ इन पीरियड में, उसी पीरियड में रिलीजियस रिफॉर्म क्या क्या हुई, धर्म जो होते हैं कि नहीं, आदमी मानवता ऐसे आदि नए विचारों का, इस धर्म अलग अलग धर्म में सुधारना कैसे हुई, रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक सुधारना, एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज यानी नए नए प्रदेशों का, नए नए देशों का, नए नए रस्तों का, रूट्स का इन्वेंशन कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले अभी थोड़ा डिस्क्रिप्ट मेरे डिटेल में देखेंगे। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग इन यूरोप,
नए पीरियड में जो यूरोप कंट्री है, यूरोप जो उसको हम कंटिनेंट बोलेंगे, यूरोप कंटिनेंट में नई नई डिस्कवरी, नए नए विचारधाराओं की वहां पर क्रियाएं घड़ने लगी, वहां पर वो वैसे क्रिएट होने लगा। इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, और वो नए विचारों का इम्पैक्ट अपने भारत देश पर भी हुआ। वहां पर जैसे नए नए रिसर्च हुए, नए नए संशोधन हुए, नई विचारधारा, स्वतंत्रता, बंधुता, ऐसे आदि नए जो वैल्यूज है, इस वैल्यू का जैसे विश्व में पता चल गया, उसका इम्पैक्ट अपने भी देश पर होने लगा। यस, हालांकि जहां पर कोई अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी आती कि नहीं, उनकी उनकी जैसे हमें आस रखती है, हमें हमें भी लगता है हमारे भी देश ऐसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर हुआ। Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the event happening in Europe during this period. इसके लिए फिर यूरोप में क्या हुआ, भारत की मॉडर्न इंडिया की स्टडी करने के पहले मॉडर्न यूरोप में क्या हुआ, उसमें से कौन से इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर दिखाई दिए, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। पीरियड ऑफ रेनेसेंस, रेनेसेंस मीन नए क्रिएटिविटी का पीरियड्स, नए नए संशोधन, नए नए रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन, नए नए टेक्नोलॉजी का पीरियड, इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन है। इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड दैट इज 13 टू 16 सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ रेनेसेंस। व्हिच पीरियड्स ऑफ नोन एज रेनेसेंस पीरियड, द पीरियड ऑफ मेडिवल पीरियड मींस 13 टू 16 सेंचुरी, दिस पीरियड इज पीरियड ऑफ रेनेसेंस। यस, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रेनेसेंस, पीरियड ऑफ रेनेसेंस। यस, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इरा। नए जमाने का शुरुआत करने के लिए ये नए नए रिसर्च क्या क्या हुए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नए जमाने का, नए मॉडर्न, नया जमाने की शुरुआत करने के लिए इनमें से देखो क्या क्या हुआ, नए नए रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा का ये बेस है। यस, हेंस दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ रेनेसेंस, और इसी को हम बोलेंगे एज, पीरियड ऑफ रेनेसेंस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एटसेट्रा देयर वॉज अ रिवेल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन विच गेव मोनूमेंट्स टू एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसी पीरियड में देखो यूरोप में आर्ट यानी कला, आर्किटेक्चर यानी डिजाइनिंग, उसके साथ फिलोसॉफी, विचारधारा, तत्वज्ञान, ऐसे नए नए विचारों की शुरुआत वहां पर हो गई, और धीरे धीरे ये पूरी जो विचारधारा है, ये रोमन ट्रेडिशन विच गेव्स मोनूमेंट, और इसकी वजह से रोमन संस्कृति, जो रोम संस्कृति, इस संस्कृति का भी तेजी से वो ग्रो होने लगी, तेजी से उस पर वो विचारों का प्रभाव आने लगा, और इसके लिए वो रोमन जो ट्रेडिशन है, ये रोमन ट्रेडिशन ओवरऑल डेवलप होने के लिए मदद मिली। ड्यूरिंग द रेनेसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म यानी इसको मानवतावाद बोलेंगे, मानवतावाद। तो यहाँ पर मानव को सेंट्रोइड बनाया गया, भौतिक सुविधा से हम आगे निकलकर मानव को इम्पोर्टेंट बनाया गया, मानव की बुद्धि के अलग अलग, मानव ये बुद्धिमान प्राणी है, इसका टैलेंट यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यानी यहाँ पर सेंट्रोइड क्या बना, मानव। इसके लिए ह्यूमैनिटेरियनिज्म वॉज गिवन अ ग्रेट इम्पेटस, और मानवतावाद को यहाँ पर गति मिल गई, स्पीड मिल गया, तेजी से वो बढ़ने लगा। तो देयर वॉज अ चेंजेस इन द आउटलुक ऑफ द ट्रीटिंग ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग, और इसका हर आदमी के जीवन पर इसका इफेक्ट होने लगा, इसका परिणाम होने लगा हर आदमी के जीवन, हर आदमी कोई स्वतंत्र विचार से सोचने लगा, हर आदमी नए नए तरीकों से जीवन जीने की विचार, जीवन जीने का विचार शुरू कर दिया। देखो तो ये इसको ही बोलेंगे हम मॉडर्न पीरियड। यस, इंस्टेड ऑफ अ रिलीजियस मैन बिकम अ सेंटर, मैन बिकम अ सेंटर पॉइंट ऑफ द आइडियोलॉजीज, तो इस आइडियोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट अभी मैन बन गया था, मैन, या पूरे कल्चर है मैन पर डिपेंड करती थी। यस, यानी रिसर्च करने वाला भी मैन है, इसकी वजह से कितना भी बड़ा डेवलप हो सकता है। तो एक एग्जांपल, मैन सेंट्राइड कैसे बना, मैन के टैलेंट कितने, एक एक आदमी कितने कितने सेक्टर में वो खुद को डेवलप कर सकता है, कितने कितने सब्जेक्ट में वो टैलेंट अचीव कर सकता है, उस टाइम पर पता चल गया। तब से फिर ये विश्व धीरे धीरे एक दूसरे कंट्री को जोड़कर एक बड़ा आधुनिक
ईरा आधुनिक युग का इन्होंने शुरुआत कर दी। तो एक एग्जांपल है, ऐसा कौन सा मैन, देखो इतिहास में एक ही मैन कितनी सारी कलाओं में वो निपुण था, देखो लियोनार्डो द विंसी नाम का एक फोटो दिया है हमारे बुक में, यहाँ पर देखो आप लियोनार्डो द विंसी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ने टेबल क्यों दिया है हमें, तो देखो ही इज अ रिकॉग्नाइज एज अ ऑल राउंड पर्सनलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रिनाइसेंस, रिनाइसेंस पीरियड का एक आदमी अपने मैन सेंट्रोइड बन गया बोले कि नहीं। तो ये आदमी तो क्या है, देखो ये रिनाइसेंस पीरियड का एक उत्तम उदाहरण है कि जिन्होंने कितने कितने कलाओं में उन्होंने डेवलपिंग की। ही वॉज वेल वर्स इन अ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट, वो साइंस का भी बहुत बड़ा जानकार था, उसके साथ साथ आर्ट का भी जानकार था, सभी सब्जेक्ट उसको अच्छी तरह आते थे, अलग अलग सेक्टर में उन्होंने अच्छी तरह से रिसर्च किया था। ही हैड मास्टरी ओवर वेरिड सब्जेक्ट सच एज अ स्कल्पचर, उन्होंने स्कल्पचर सब्जेक्ट में मास्टरी डेवलप की थी, आर्किटेक्चर थे वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वही ग्रेट इंजीनियरिंग भी थे, वो अच्छे म्यूजिक भी चला सक म्यूजिक में म्यूजिशियन भी थे, वो एस्ट्रोनॉमी भी यानी आकाश का स्टडी करने में भी वो बहुत निपुण थे। देखो एक आदमी कितने कितने हम बड़ी मुश्किल से एक सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी कर सकते। तो ये लियोनार्डो द विंसी एक ऐसा इंसान है जो अलग अलग सेक्टर में उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट की थी, यानी वैल्यूएबल अचीवमेंट की थी। इतना ही नहीं बल्कि वो तो बट ही बिकेम अ वर्ल्ड रिनॉन एज अ पेंटर, और पूरे विश्व में सबसे अच्छा पेंटर करके भी वो जाने जाते हैं। लियोनार्डो द विंसी की जो मोनालिसा की पेंटिंग है कि नहीं, मोनालिसा की पेंटिंग आप नेट पर सर्च करके देखो, मोनालिसा की पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड गुड पेंटिंग है, बेस्ट पेंटिंग है। तो ये लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग है, देखो इसमें दिया गया है बट ही इज बिकम वर्ल्ड रिनोन एज अ पेंटर। हिज पेंटिंग ऑफ द मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर बिकम इमोर्टल, उनकी जो पेंटिंग है ना तो उस शतक से अभी तक वो सबसे फेमस और इमोर्टल है, अमर्त है, जिसका अमर है वो। तो ये ऐसे लियोनार्डो द विंसी, ऐसे विचारधारा के लोग उस युग में बने, कौन से मॉडर्न युग में। इसके लिए फिर यूरोप में डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट भारत तक नहीं धीरे धीरे पूरे विश्व तक कैसे फैली, इसके ही बारे में हम अच्छी स्टडी करने वाले हैं इस लेसन में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।